गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आम षष्ठ श्रेणीर आम भाषा आम साहित्य बहर पाठ नंबर 7 धूमकेतु पाठर प्रश्न उत्तर को आज आम आलोचना करवा है आरंभ करवा। देख धूमकेतु को कहीं अदिनिया अतिथि बोली कहा जाए धूमकेतु को कहीं अदिनिया अतिथि बोली कहा जाए तो धूमकेतु किछि दिन पई आम आकाश रे देखा दे पुणी कुआडे उभे चली जाते तेणुक धूमकेतु को अदिनिया अतिथि बोली कहा जाए। तापर देख ख आकाश रे देखा जाउथबा ज्योतिष मानक मधरे धूमकेतु किपरि तो आकाश रे देखा जाउथबा ज्योतिष मानक मधरे धूमकेतु कौतूहलप्रद अटे है आकाश में देखा जा ज्योतिष मानक मधे धूमकेतु कौतूहलप्रद अटे कारण यह बेले बेले देखा थाए एवं बेले बेले देखा दे न थाए है। धूमकेतु को कहीं सौरजगतर अंतर्गत बोली धरा जाए है तो धूमकेतु को कहीं सौरजगतर अंतर्गत बोली धरा जाए तो यही ज्योतिष गुड़िक धूमकेतु गुड़िक ग्रह मान भली सूर्य को परिभ्रमण परिक्रमण करुथिवार सौर जगतर अंतर्गत बोली धरा जाते कारण यही ज्योतिष गुड़िक ग्रह मान भली सूर्य को मध्य परिक्रमण करुथिवार सौर जगतर अंतर्गत बोली धरा जाते यही धूमकेतु को हला। तो धूमकेतुर भ्रमण मार्ग किपर तो यही धूमकेतु गुड़िकर भ्रमण मार्ग लंबालिया देखा को उपवृत्ताकार और अत्यंत बृहत विराट काय अटंत है। आम केतेबेले धूमकेतु को देखो आम राति धूमकेतु को देखी था देख धूमकेतु को कहीं लांज तारा बोली कहा जाए है। धूमकेतु को कहीं लांज तारा बोली कहा जाए कारण यार मुंडरे एक तारा एवं पुछरे लगिता आलोक लांज भली देखाई थाए तेणु यार नामकरण धूम लांज तारा बोली करा जाएगी है। तो धूमकेतु केते बेले बाष्पमय लांजमय बाष्प सृष्टि करे तो धूमकेतु जेते बेले सूर्यंकर अति निकटतर होइथाय सेते बेले यहा लांजमय बाष्प सृष्टि करे। धूमकेतु लांजर विशेषत्व कौन हला धूमकेतु लांजर विशेषत्व होची यहार आकार उपर उपर पहरा मुठा बा खड़िका मुठा परी ओ लांज सर्वदा सूर्य ठारु दूर को दूर रही सूर्यर निकटतर होइन थाए हला यहा होची धूमकेतुर धूमकेतु लांजर विशेषत्व। पूरा काल रे धूमकेतु देखा देले लोके कोण भावते तो प्राचीन समय रे धूमकेतु को लोके देखिले यहा अशुभ संकेत बोली भावुथिले। बराह मिहिर केउ ग्रंथ रे धूमकेतु संपर्क रे लिखिछन्ति बराह मिहिर निज बृहत संहिता ग्रंथ रे धूमकेतु संपर्क रे लिखिछन्ति हला।